हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका नवंबर महीना कैसा गुजरने वाला है 2024 का। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं नवंबर महीने में आपके लिए क्या क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, चेंजेस वेट कर रही हैं। सो अगर आपकी राशि सजिटेरियस हैं, यानी कि धनु राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। अगर आपकी राशि सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, तो वो चाहे सन साइन के अकॉर्डिंग हो या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग, नो मैटर। का नवंबर महीना कैसा गुजरने वाला है नवंबर 2024 में, आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस वेट कर रही हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाला है, ओवरऑल हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सजिटेरियस हैं, यानी कि धनु राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी करियर के साइड से आपका नवंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। फर्स्ट हम वही चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पर है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ चीज़ें डिले होती हुई दिख रही हैं आपको। अगर एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर महीने में कुछ कॉल टेक्स्ट आएगा करियर के साइड से, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो आप, कोई रिजल्ट निकलेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिले होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, वो न्यूज़ आने में और थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड साथ ही दिख रही है कि कुछ थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके कामों में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकता है। तो आप अगर अपने काम एंड आपके बीच में किसी को ना आने दें नवंबर महीने में, तो ही बेहतर रहेगा। आपको जो भी सही लगता है, आपके दिमाग को जो भी डिसीजन सही लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतर है। इस टाइम पर आप किसी के भी सुझाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दें, तो यही चीज़ दिख रही है मुझे। वरना कुछ काम बिगड़ सकता है आपका, आपके करियर के साइड से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, वो चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, नो मैटर। और एक कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पर है द मैजिशियन। वाओ, दिख रही है मुझे अगर आप अपने मन को फॉलो करके चलते हो, तो करियर के साइड से कुछ न्यू आप कर सकते हो, कुछ बेहतर आप कर सकते हो। ओवरऑल तो दिख रही है कुछ चीज़ें डिले होने वाला है। हो सकता है आपको बोनस मिलना था, वो डिले हो जाए। हो सकता है कोई गिफ्ट आपके पास आना था करियर के साइड से, बॉस कुछ प्रमोशन वगैरह के लिए आपसे बातचीत करने वाला था, वो चीज़ें डिले हो जाए। बट ओवरऑल कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो खुद से। ऐसा तो नहीं है ना कि डिले हो रहा है मतलब करियर एकदम से ख़राब हो रहा है। फाइन, यहाँ पर आप कुछ न्यू खुद से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में इस टाइम पर करियर के साइड से एक साइड से अगर कुछ चीज़ें डिले हो रहा है, तो दूसरे साइड से चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे। तो ओवरऑल आपके पास एक न्यू जॉब आती हुई दिख रही है, एंड साथ में कुछ नया बिजनेस भी इस टाइम पर आप स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल आप अपने करियर को ना अपने कंट्रोल में रखते हुए दिख रहे हो। आपके कंट्रोल में चीज़ें रहेगा, आप लोगों के साथ अच्छे से बात करके चीज़ों को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होने वाला था, तो उसको आप बात करके चीज़ों को शॉर्ट आउट करके वो डिले ना कम करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि हो सकता है कि 2 महीने बाद आपको वो चीज़ मिलने वाला है, एंड आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करो, एंड 1 महीने के अंदर, आधा महीने के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाए। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ काम यहाँ पर कम्प्लीट होती हुई दिख रही हैं, एंड कम्प्लीट करके आप कुछ नए काम शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यस। एंड लव लाइफ के साइड से चेक कर लेते हैं। लव लाइफ के साइड से है 4 ऑफ वांड्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई आपको इस टाइम पर मैरिज प्रपोजल दे सकता है। अगर आप बहुत टाइम से मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, किसी इंसान के आने के लिए वेट कर रहे थे, तो उस साइड से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एक माइलस्टोन आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ में। ओवरऑल लव लाइफ में इस टाइम पर दिख रही है नवंबर महीने में कि रोमांस रहेगा, लव रहेगा, आपके दिल में किसी एक इंसान को लेकर सेटिस्फिकेशन रहेगा। वो एक इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना पैशनेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो इंसान इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे से प्यार करते हुए दिख रहे हैं, अडोर करते हुए दिख रहे हैं, रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उस इंसान की आँखों में इस टाइम पर आप एक प्रिंस या फिर एक प्रिंसेस से कम नहीं रहोगे। ओके, सो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड
नेक्स्ट यहाँ पर लव लाइफ के साइड से हैं नाइन ऑफ वांड्स। ओके, देखो ये जो दो कार्ड है ना, ये लव लाइफ के साइड से हैं, तो नाइन ऑफ वांड्स के थ्रू भी मुझे यही दिख रहा है कि अभी तक अगर कोई एक इंसान ने आपके लिए कोई भी डिसीजन एक्शन नहीं लिया था लव लाइफ के साइड से, तो वो इंसान लेने वाला है नवंबर महीने में। ओके, एंड ये चीज़ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वाइस वर्सा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आप पैशनेट होकर कोई डिसीजन एक्शन ले लो लव लाइफ के साइड से, बट दिख रही है जो भी डिसीजन आप लोगे वो बहुत ज़्यादा सटीक होने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली डन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपके डिसीजंस एक्शंस एकदम से आपको विक्ट्री लाकर देगा लव लाइफ के साइड से। ओके, यस, इस टाइम पर पैशन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दिख रही हैं, आपके पर्सन के अंदर भी दिख रही हैं। अगर आप सिंगल हो तो भी मैंने बता दिया कि कोई एक पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। फैमिली के साइड से चेक कर लेते हैं, थ्री ऑफ कप्स। वाओ, फैमिली में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी बना हुआ रहेगा, आपके परिवार में इस टाइम पर लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिख रहे हैं। कोई इनविटेशन हो सकता है कि आपके फैमिली के पास आए, या फिर आप लोग बाकी सारे लोगों को इन्विटेशन दो। आपके घर में कोई पूजा पाठ या फिर कोई पॉजिटिव कार्य होने वाला है दिख रही है नवंबर महीने में। गेट टुगेदर एक दिख रही है, बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, कुछ गेस्ट्स भी आपके घर में आ सकते हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि यस, अगर आपके साथ किसी फैमिली मेम्बर का रिश्ता ख़राब चल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ना मधुर होने वाला है किसी एक वजह से, तो वो वजह हर एक के लिए डिफर ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये फुल मून आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरऑल मन का पीस को दर्शा रहा है। अगर किसी फैमिली मेम्बर के हेल्थ इशू थे बहुत टाइम से, उसको लेकर आप परेशान थे, तो उस साइड से यहाँ पर रिकवरी नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो यस, ओवरऑल फैमिली के साइड से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलती हुई दिख रही हैं। फैमिली में इस टाइम पर शांति बना हुआ रहेगा, खुशियाँ दिख रही हैं, आ रही हैं, सेलिब्रेशन का मौका बना हुआ रहेगा। ओके, यस, कोई अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, आपके फैमिली के किसी मेंबर को मिल सकता है, नो मैटर, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप सभी मिलकर कोई गेट टुगेदर प्लान करो, या फिर कहीं पर आउटिंग में जाओ, घूमने के लिए डिनर पे चले जाओ, कुछ भी हो सकता है। एंड देख लेते हैं आपके हेल्थ के साइड से, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओवरऑल अगर कुछ प्रॉब्लम आपके हेल्थ में है तो वो चीज़ रिकवरी की तरफ जाने वाला है नवंबर महीने में, सो नॉट टू वरी। एंड दिख रही है मुझे कि अगर आप ठंडा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, तो ऐसे में थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि नवंबर महीने में ना थोड़ा बहुत जुकाम होने की चांसेस बन रही हैं आपके। ओके, बाकी यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर हैं, हीलिंग का कार्ड होता है, सो नॉट टू वरी। एंड हॉबी के साइड से चेक कर लेते हैं, हॉबी के साइड से यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। वाओ, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका जो ये हॉबी है ना, मतलब कि हो सकता है कि दिन का 17-18 घंटा आप किसी एक चीज़ के ऊपर देते हो, मतलब कि अपने करियर के ऊपर देते हो, आप बाकी का जो टाइम है, मतलब कि दिन का 1 से आधा घंटा निकाल ही लेते हो अपने हॉबी के लिए। ये हॉबी कुछ भी हो सकता है, गाना सुनना, कुकिंग करना, खेलने जाना, दोस्तों के साथ बातें करना, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, चाय पीना, तो कुछ ना कुछ अपने लिए आधा एक घंटा हॉबी के लिए निकाल लेते हो, तो उस हॉबी के दौरान ही दिख रही है मुझे आपका लव लाइफ और भी ज़्यादा ना गहरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप उस हॉबी को करते करते, मतलब कि अगर आप गिटार प्ले करते हो तो आप प्ले करते करते अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कुकिंग करना पसंद करते हो तो वो करते करते सोचते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा लवी डवी वे में ना आपका ये नवंबर महीना गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। ओवरऑल आप किसी के ख्यालों में बहुत मीठे तरीके से डूबते हुए दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं नवंबर महीने के लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहा है आपके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है एक्सिस्टेंस। देखो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो नवंबर महीने में कहीं ना कहीं आप अपनी खुद के एक्जिस्टेंस को पहचान पाओगे, वैल्यू कर पाओगे कि आप धरती पर किस लिए हो, क्यों आप ये काम कर रहे हो, आप क्यों इस पैथ पे चल रहे हो, आपका प्रोफेशन ऐसा क्यों है, आपने इस प्रोफेशन को ही क्यों चुना, आपने इस रास्ते को ही क्यों पकड़ा। तो हर एक तरीके का खुलासा, हर एक तरीके का क्या बताओ,
क्लियरेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल लोग इस टाइम पर कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाओगे कि आप कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो खुद के लिए एंड लोगों के लिए। इस टाइम पर आपके दौरान लोगों का भी बहुत सारा ना काम बनने वाला है, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोग भी आपके वजूद को समझ पाएंगे। ओके, सो बहुत बड़ा कार्ड है, इसका इनर मीनिंग बहुत डीप है, मतलब कि क्या बताऊँ। तो ओवरऑल एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपके लिए वेट करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। फाइन, सो ये जो वन नंबर है ना, ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड मैंने बॉटम द डेक तो देखा ही नहीं, सो बॉटम द डेक को यहाँ पर आप देख सकते हो, एस ऑफ वांड्स। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा चमकता हुआ बिगिनिंग होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ना खास होगा। नवंबर महीने में डिवाइन की तरफ से एक ख़ास गिफ्ट आपको मिलने वाला है। डिवाइन इस चीज़ को ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, बस आपको रिसीव करना है। ओके, ये जो डायमंड है ना, ये चमक रहा है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हो सकता है बहुत टाइम पहले आपने कुछ चीज़ें मांगा था, तो उसका ही फल कहीं ना कहीं आपको नवंबर महीने में दिया जा रहा है। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है सैजिटेरियस। सो थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।